पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई। दो स्तरीय इस बैठक में पहले स्तर की बैठक को सीएम व प्रभारी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों ने संबोधित किया। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुटी भाजपा की आज प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री व विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शाह के नेतृत्व में बनी रणनीति शाह की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया गया। अब तक 9 राज्यों में यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल चुकी है और अभी अभी हमने तय किया है कि कैबिनेट ने अभी ही प्रस्ताव पारित किया है कि और राज्यों में भी हम इसका विस्तार करेंगे। करीब करीब देश में 16 राज्यों में यूनिवर्सिटी को पहुंचाने का काम हम करेंगे। कैंपस बने वो आने वाले दिनों की सभी सुविधाओं के लिए इसके अंदर पर्याप्त आयोजन हो सकता है, आज छोटा बनेगा। पर इससे लैंड ट्रस्ट की जो बात आती है, महीनों महीने वर्षों वर्ष तक भी कई बार रिजल्ट मिलते नहीं है, उसमें बहुत बड़ी हमारे पास एक कमी थी और हमारी पहले तो एक ही परसेंट लैंड थी मधुबन में, अब शायद 3 और रही है, तो 4 लैब हमने किए हैं। ऐसे ही इस लैब का कैंपस हमारे पास होगा परसेंट यूनिवर्सिटी का, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम पीड़ित को न्याय जल्दी दे सके और पीड़ित पीड़ा को उसको कोई अपराध हो गया लेकिन न्याय जल्दी मिलने से उसका संतोष, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है। जो ये एमओ साइन हुआ है, हरियाणा को एक बड़ा क्राइम में इसका लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ करके, क्योंकि कई बार जब क्राइम होता है वो क्राइम में लंबा समय उसको सर्च करने में लग जाता है और साधनों के अभाव में हम सर्च भी नहीं करते। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।